आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप कोई म्यूजिक ट्रैक कट कर देते हैं और जब उसे ज्वाइन करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक गाना खत्म होते ही दूसरा शुरू हो गया। वो बहुत ही अटपटा सा लगता है, तो इसे कैसे हम बिल्कुल स्मूथ ज्वाइन करें कि अच्छा लगे, तो इस प्रोसेस को हम फेड इन फेड आउट कहते हैं। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है, ये मेरा मिक्स पैड बाय NCH सॉफ्टवेयर है, ये फ्री है, आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे दो म्यूजिक ट्रैक लेते हैं, हम फाइल पे जाते हैं और ओपन प्रोजेक्ट करते हैं, जहाँ पे भी हमने MP3 फाइल रखी है उस जगह पर जाएंगे। जब भी आप इसे खोलेंगे फाइल पे, यहाँ पे मिक्स पैड प्रोजेक्ट आएगा, तो आप यहाँ पर ऑल फाइल कर देंगे तो आपको यहाँ पे MP3 फाइल्स मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे दो MP3 फाइल ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये MP3 फाइल्स हमारी आ चुकी हैं और एक दोनों अपने अपने ट्रैक में आ चुकी हैं। अब हम जो नीचे वाली MP3 फाइल है, इसे हम दूसरी फाइल के पीछे लेके जाते हैं, क्योंकि हमें इसे कटिंग करने में आसानी होगी। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपकी फाइल दोनों दिखाई दे रही है कि कितने कितने डिस्टेंस पे है, तो इसे भी आप देख सकते हैं, एक डिस्प्ले यहाँ पे भी आता रहता है। तो इस को हम पीछे लेके जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे सॉन्ग को कट करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सॉन्ग सिर्फ 1 मिनट का हो तो हम उसे कट करेंगे। सपोज हमें यहीं से ही कट करना है और फिर यहाँ तक पूरा लास्ट तक इसे हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे यहाँ तक और इसे कट कर देंगे। अब हमें फर्स्ट फाइल को सेकेंड फाइल के साथ ऐड करना है। तो अगर हम इसको फर्स्ट ट्रैक में ही लेकर आते हैं और इसे सुनते हैं तो हमें किस तरह से सुनाई पड़ता है कटिंग के बाद। अब इस तरह से जब कटिंग आप करते हैं, गाना खत्म होते ही दूसरा गाना शुरू हो जाता है, तो ऑडियंस को भी साफ पता चलता है कि ये बस कट के जुड़ गया है। तो अगर हम इसे स्मूथनेस चाहिए तो हमें इसके लिए फेड इन और फेड आउट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस दूसरे ट्रैक को थोड़ा सा हटा लेते हैं, जहां पर लेकर आ रहा है जूम आउट, इसे हम थोड़ा सा स्क्रोल करते हैं तो देखिए हमारा ट्रैक काफी फैल गया है। अब हमें कटिंग करने में आसानी होगी, जहां पे एकदम लास्ट बीट आपको लगता है क्लियर कट रही है, पहले हम उसे काट लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका ट्रैक काफी नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ से इसे कट कीजिए ताकि ये डाउन सी फीलिंग आए। इसके जो बीट्स हैं काफी हाई लेवल पे हैं और यहाँ पे बिल्कुल नीचे बीच में एकदम कट से रहे हैं। तो आप इसको लेकर एक डॉट बनाइए, आप सेलेक्ट कीजिए और इसे ड्रैग करके कट कर दीजिए। सेलेक्ट किया और डिलीट, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रैक कट गया। अब इसको हम फेड इन करने के लिए इतनी सी जगह में, यानी कि जहां पे हमारा लास्ट खत्म होता है उसके कुछ सेकंड पहले ही इस बीट को सेलेक्ट कर लिया। दो डॉट्स लग गए हैं, एक ग्रीन एक वाइट, फिर हम यहाँ से ड्रैग करके इसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई सारे ऑप्शन लाइट में आ गए हैं। तब हम सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ मिक्सिंग में आएंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फेड इन और फेड आउट। तो हम यहाँ पे फेड आउट पे जाते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक रेड लाइन बिल्कुल नीचे तक जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये बीट यहाँ से सीधा नीचे जा रही है, तो वो धीमी होती जाएगी। अब आप इसे सुने तो देखिए धीरे धीरे बीट बिल्कुल धीमी हो गई है। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया है, हमने इसको फेड आउट कर दिया है। अब हम सेकेंड ट्रैक को लेंगे। अब हम यहाँ पे सेकेंड सॉन्ग को उठाएंगे। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि आपका ट्रैक दूसरे ट्रैक से कितने पास में है या कितने दूर है। आप इससे भी जूम इन या जूम आउट करके अपने ट्रैक्स को पास में ला सकते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। हम इसको पास में लेकर आ रहे हैं और अगर हम इसको अभी जोड़ देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, तो ये धीमी से अचानक से तेज में आ जाएगा। अब ये धीमे से बिल्कुल अचानक से तेज हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि ये भी बहुत धीरे से उठे और तब तेज हो। तो इसके लिए हमें फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं और सेलेक्ट करते हैं यहाँ से आगे की ओर और फेड इन करते हैं। जैसे ही हमने फेड इन किया तो ये जो सारे सॉन्ग बहुत हाई पिच से स्टार्ट हो रहे थे, जिसकी हाई पिच थी बहुत लो पिच से स्टार्ट होगी। अब यहाँ से हमारा फेड इन फेड आउट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब इस दोनों
MP3 फाइल को हम मर्ज करेंगे, इसके लिए हमें क्लिप्स में जाना पड़ेगा ताकि इसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो हम दोनों ही ट्रैक को सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें कंट्रोल करके दोनों सेलेक्ट किया। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही ये दोनों ट्रैक सेलेक्ट होते हैं, यहाँ पे जितनी भी जितने भी आइकन्स हैं उसकी लाइट ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे हमें मर्ज करना है, मर्ज हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसका इसकी लिमिटेशन आप बढ़ा सकते हैं इसे सेलेक्ट करके। अगर आप इसका फेड आउट ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आप पहले सेलेक्ट कीजिए ट्रैक को और इस पॉइंट, तो आप यहाँ पे मिक्सिंग में जाएं और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ये जितनी दूर तक आप चाहते हैं कि आपका फेड आउट होकर आए तो आप वहाँ पर इसको पॉइंट लगा के इसके डॉट्स को पीछे या नीचे जैसे करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। अगर इसे और ऊपर का इसकी बीट थोड़ी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह डॉट लगा के भी आप अपने जो बीट्स हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना हाई चाहिए या कितना लो चाहिए। ये चीज आप इस कहीं पे भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे सेव करेंगे इस फाइल को। इस फाइल को सेव करने के लिए हमें एक्सपोर्ट क्लिप्स करेंगे MP3 करके, और यहाँ पे आपको ये फाइल दिखाई पड़ी है कि कहाँ पे सेव हो रहा है, सी ड्राइव, यूजर, HP डेस्कटॉप। तो इसी तरह आपके भी जब आप सेव करेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आपकी फाइल कहाँ सेव हो रही है। यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, आप अपने फाइल का यहाँ पे नाम भी रख सकते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली नाम नहीं रखा है। अब हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ देखिए मर्ज्ड क्लिप्स करके आ गया है। अब इसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी फाइल जो हमने यहाँ पे इसको फेड इन फेड आउट किया था, इस फीचर को जाना है। और आगे भी मैं मिक्सपैड पे कुछ कुछ वीडियो देती रहूंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी आवाज को कैसे इन फाइल में डालें विद सिंपल म्यूजिक के साथ, तो ये आगे की वीडियो में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। और अपने ऑडियो को खुद एडिट कीजिए, अपने बच्चों को मत भूलिए। थैंक यू।